Very good morning, students. I am your English teacher, and today I am going to teach you English of class 4. First, open chapter number 2. This is the chapter number 2. The Capable Man. Today I am going to explain exercise of this chapter. So let's see exercise. Question number 1 is answer the following question. This is the question answer. Question answer we will discuss later. And today I explain only exercise. See question number 2. Fill in the blanks. A part. The Dash had a very able prime minister. इसमें हम king लिखेंगे. The king had. ये राजा के पास एक able prime minister था. यहाँ पर king आएगा. K-I-N-G king. B में आप लिखेंगे each room had two door. Second में आप door लिखेंगे कि हर room में दो क्या थे दरवाजे तो टू डोर. सी में लिखेंगे आप हाउ कैन द लॉक बी ओपन विदाउट द डैश. तो लॉक को भी कैसे हम बिना किस चीज के नहीं खोल सकते चाबी के तो की. तो यहाँ पर हम लिखेंगे की के ई वाई की. डी पार्ट में ही डैश ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम ने पॉन्डर. डी में पॉन्डर लिखेंगे पी ओ एन डी ई आर ई डी. ही पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम. ई में देखिए ही देन डैश हिमसेल्फ बिफोर द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ लिखेंगे प्रेजेंटेड. पहले प्रेजेंट की स्पेलिंग लिखिए पी आर ई एस ई एन टी और ई डी लगा दीजिए प्रेजेंटेड. ही देन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ मतलब उसने बाद में अपने आप को प्रेजेंट किया बिफोर द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के सामने. थर्ड है टेक द करेक्ट ऑप्शन. ए पार्ट ही देन सिलेक्टेड द डैश मोस्ट लर्न पंडित. यहाँ पर आएगा 4 मतलब उसको सिलेक्ट किया गया था कितने पंडित में 4 पंडित में. यहाँ पे 4 आएगा. यहाँ पे आप टिक लगाइए. बी पार दिस रूम हैज डैश डोर्स. उस रूम में कितने डोर्स थे 2 तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे आप फर्स्ट ऑप्शन में. सी पार्ट है द डैश पंडित वेंट टू द डोर. तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है 4. सी में सेकेंड ऑप्शन है 4th तो इस पर हम टिक लगाएंगे. द डैश 4th पंडित वेंट टू द डोर मतलब कौन सा पंडित डोर पर गया था डोर से 4th. क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स. ये हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है. देखिए विदाउट यूजिंग अ की कि बिना की यूज किए यू डैश तो हम यहाँ पर लिखेंगे शुड ओपन द डोर फ्रॉम इनसाइड एंड कम आउटसाइड. मतलब हम बिना की यूज किए डोर को अंदर से खोलेंगे और बाहर आ जाएंगे. तो ये लिखना है आपको. बी में आप ये लिखेंगे बी एबल टू ओपन द डोर एंड गो आउट. सी में आप लिखेंगे आई थिंक देयर इज सम ट्रिक इन द लॉक इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5 राइट अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग. ये वर्ड्स हैं इनके हमें अपोजिट लिखने हैं. यहाँ पर बच्चों ये हॉट का कोल्ड लूज का गेन सुपीरियर का जूनियर पियर्स का इम्पियर्स टॉप का बॉटम ऑनर का डिसऑनर इंटेलिजेंट का फूल होप का डिसअपीयर.
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इसमें डू, डज और डिड, ये 3 स्पेलिंग्स हैं, इन तीनों में से यहाँ पे क्या फिल करना है लाइन के अकॉर्डिंग। देखिए ए में लिखेंगे डू, डू यू लाइक स्विमिंग। सेकेंड में डिड, डिड दे इंजॉय द पिकनिक यस्टरडे। यस्टरडे की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर डिड लिखेंगे, यानी कि जो काम हो चुका है वहाँ पर डिड। देखिए सी में डिड योर ट्रेन लीव ऑन टाइम। डी में लिखेंगे डज योर सिस्टर ड्राइव अ बाइसिकल। ई में लिखेंगे डू यू लाइक मी। इस तरह से इनको फिल करना है। दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।